हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 19 अगस्त और बच्चों लोग का है आज पीटीएम, मीन्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जो कि इन लोगों के असेसमेंट एग्ज़ाम हुए थे उसका आज रिजल्ट देखने को, उसका आज मार्क्स देखने को मिलेगा। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और हम लोग निकल गए हैं। 10:30 से 11 के बीच का टाइमिंग है। और मेरे साथ है जुहान भी, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में है कि मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे रहने वाले, इसलिए देखते हैं इन लोगों के क्या रिस्पॉन्स रहा है। हाँ, अब कुछ नहीं चलेगा, अब तो जाने के बाद ही पता चलेगा मार्क्स कैसे आए हैं बेटा। आज फाइनल डिसीजन होगा कि तुम लोग को हॉस्टल में छोड़ना है या स्कूल में पढ़ाना है। हेलमेट पहन ले यार, यहाँ पे खड़ी रहती पुलिस। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है हमारी सेफ्टी के लिहाज से, इसके लिए हेलमेट पहन लेती हूँ। थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है बट कोई नहीं। ओके कैसे मार्क्स आएंगे यार जुहान, आते तुम्हारे कैसे मार्क्स आएंगे बताओ बोलो। बस नंबर 5। क्या क्या? अच्छा हाँ, तुम्हारा कहाँ लगा है? ये सारी बच्चों की क्रिएटिविटी है, बच्चों ने बनाया था, जिसमें से आतिफ का भी है क्लास के बाहर। वाओ सुपर, बहुत अच्छा है। अरे चलो उधर चलते पहले। तुम्हारा तो हो गया, तुमको तो घर पे मिलेगा आज नहीं, इस मंथ के लास्ट में। मेरा अभी देखा वो वाला क्लास एमरेल्ड, अभी दिखा देना मुझे। हेलो फ्रेंड्स, आज है कितनी तारीख, आज आज कितनी तारीख है? आज है 21 तारीख और जैसे कि मैंने व्लॉग बनाया था उस दिन 19 तारीख का, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मैं गई थी अपने बच्चों के स्कूल। मैंने मेंशन किया था ना कि आज उनका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, असेसमेंट टेस्ट थे ऐसे, तो मार्क्स अच्छे नहीं थे, मतलब 20 में से हाफ मार्क्स थे, यानी कि 50% मार्क्स थे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे आउट ऑफ चाहिए थे, तो मेरा मूड वहाँ ख़राब हो गया उसके बाद, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और तो उसके बाद डायरेक्ट मैं आज शूट कर रही हूँ 2 दिन बाद। और आज है 21 तारीख और सुबह के बज रहे हैं अभी 11, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये मेरा छुटकू आज जल्दी सो के उठ गया है मुझे परेशान करने के लिए, मुझे खाना बनाने का है, मुझे बहुत सारा काम करने का है और ये उठ गया। तो बस अभी आज मेथी की भाजी लाए हैं, तो मेथी की सब्जी बनाएंगे जो सिंगदाने के साथ, यानी कि मूंगफली के साथ। तो अभी इसको कैसे ना कि तोड़ने में बहुत टाइम जाता है, तो अभी का टाइम ऐसा है कि अभी झाड़ू पोछे वाली भी नहीं आई है, तो मैंने सोचा अभी कर लेते हैं क्योंकि उसके आने से पहले हो जाएगा। क्योंकि इसको तोड़ने में ना, सबको पता होगा कि मिट्टी बहुत निकलती है, कचरा हो जाता है, तो और फिर कहीं पे भी तोड़ेंगे तो इसके लिए मैं ना अक्सर सफाई के पहले ही सुबह तोड़ लेती हूँ। इसको तोड़ के रख लूँगी ना तो इसको पकाने में इतना टाइम नहीं जाता है जितना इसको तोड़ने में टाइम जाता है अकेले। तो बस अभी यही चल रहा है। ये भाई साहब मेरे उठ गए हैं, इनको मैंने वॉकर में बैठा दिया है और फिर मैं कर रही हूँ अपना काम। और आज हमारा थोड़ा एक और भाई को भी आना था, फर्नीचर वाले भैया को, जिन्होंने हमारे घर का फर्नीचर पूरा बनाया था, तो वो उनको बुलाया है, तो उनका भी वेट कर रहे थे, तो इसलिए आज जल्दी आज, मतलब जो दोबारा मैं सोती थी ना वो मैं सोई नहीं, क्योंकि वो बोले मैं सुबह आ जाऊँगा 9 बजे तक, पर वो आए नहीं, उनके चक्कर में मैं सोई नहीं कि मैं अगर सो जाऊँगी क्या पता वो अभी आ जाए, कब आ जाए, मेरी नींद और ख़राब होगी, सर दर्द होगा, तो मैं सोई नहीं। मैंने सोचा चलो ये सब काम कर लेते हैं अब, पर मैं बैठी हूँ जग रही हूँ तो वो अभी तक आए नहीं, 11 बज चुका है। मैंने भी कॉल किया है तो वो कह रहे हैं कि मुझे 1 से 1.5 घंटा और लगेगा,
मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं भाजी वगैरह साफ कर लेती हूँ और देखती हूँ, कोशिश करूँगी तो बना भी लूँगी सब्जी ताकि मेरा टाइम बचेगा, क्योंकि अभी आर्यन भी जग रहा है, अगर चुप रहता है जब तक तब तक कितना काम मैं निपटा सकती हूँ, करूँगी क्यों आर्यन, ये भाई साहब करने देंगे जितना उतना मैं कर लूँगी। आर्यन आर्यन और बताइए आप लोग क्या चल रहा है आजकल, सावन का महीना है, बारिश कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। मुंबई में तो खैर इतनी बारिश हो चुकी है ना कि अब भी एकदम कम हो गई है, मतलब ना के बराबर हो गई बारिश। स्टार्टिंग में ही बेतहाशा बारिश हुई, जो कि मैंने अपने व्लॉग में डाला भी है, और अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है हमारे चैनल पर जाकर। तो बस अभी चल रहा है काम, कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, सारा काम तो डिपेंड रहता है आर्यन बाबू के ऊपर, ये जितना मुझे करने देंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम हो पाएगा। और हाँ, मैंने एक रख रखी थी मेड आर्यन को संभालने के लिए 24 आवर्स के लिए, तो एक महीना हुआ है ना, क्या होता है जो परमानेंट घर में रहती है ना तो उनको क्या होता है ना, वो परमानेंट मतलब एक ड्यूटी हो जाती है फिर उनकी, तो अभी हम भी फिर फ्री हो जाते हैं, फिर उनको भी रहता है कि हमें ये काम करना है, और कुछ कुछ ऐसी होती है ना उनको मतलब मन नहीं लगता है, क्योंकि ये जो हम लोग कंपनी से सर्विस लेते हैं ना, तो मेरा तो कंपनी से मतलब ये लेने का सर्विस लेने का एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा रहा, क्योंकि ये लोग ना एकदम छटा हुआ भेजते हैं, जैसे कि बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा काम करेगी, मगर जब वो आते आती है ना घर पे, तो फिर उनसे पूछो तो उन्हें कुछ आता नहीं है, यानी कि हाँ आप सिखाओगे तो ठीक है। तो खैर खाना तो हर इंसान खुद से ही बनाना प्रेफर करता है, बस मेन ये था चलो अगर बच्चे हैं तो बच्चे को गोद ले लेती है। उसका प्रॉब्लम क्या था ना कि वो बच्चे को गोद तो लिए रहती थी, नो डाउट, जब भी मेरा बाबू जगता था तो बच्चे को गोद में लिए रहती थी, बट वो बच्चे का हर चीज़ नहीं कर पाती थी, ना उसको खिलाने को बच्चे को जमता था, ना उसको ये मतलब उसका पूरा क्लीन वगैरह करने का, ना वो उसको नहला पाती थी, ना वो सुला पाती थी, हाँ जब जगह है तो गोद में सिर्फ वो लिए रहती थी, तो मुझे ना बाबू में भी लगना ही पड़ता था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब बहुत रो रहा है, और इसको ना मैं नींद में बस सो नहीं पाता है जब तक उसको कोई अच्छे से ठोके नहीं, वो सुला ही नहीं पाती थी। तो एक महीना हो गया, फिर उसको भी ऐसा लगा कि शायद मैं बच्चे का प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उसने भी बोला कि भाभी मैं अब सोशल में ना रहूँ, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं इसको कैसे सामने से बोलूँ कि हाँ तुम मतलब नहीं प्रॉपर काम कर पा रही हो, क्योंकि भाई देखो कोई भी इंसान अगर अच्छी खासी पेमेंट किसी को दे रहा है, यानी कि 18,000 मैं उसको दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को वो गोदी में लिए थी और कुछ भी नहीं करती थी, तो उसका मैं 18,000 पेड कर रही थी, तो किया था मैंने, और बाकी आपको आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन वाली अलग से लगी हुई है, सिर्फ वो बेबी को ये था कि पूरा काम मेरे आर्यन का करेंगी, पर वो पूरा काम उनसे नहीं हो पा रहा था, बोली थी भाभी मेरे से नहीं हो पाता है बच्चे का पूरा काम, तो बट और खाना हमारे यहाँ कैसा है, हमारे इनके पापा को या हम लोगों को भी अपने हाथ का ही पसंद है, क्योंकि हम लोगों को किसी की जल्दी रोटी नहीं पसंद आती, किसी की हांडी नहीं पसंद आती, तो इसके लिए खाना खुद से ही बनाना रहता था। तो अभी तो फाइनली ये हुआ है कि उनका एक महीना हुआ, मैंने उनको सैलरी दी, वो चली गई हैं। अभी मैं जाऊँ तो कंपनी को फॉलो करके दूसरी मंगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने कंपनी को 21,000 रुपये दिए हैं, जो कि वो मुझे कंपनी 1 साल तक की सर्विस देगी। तो फिर मुझे तो पर अभी ऐसा लग रहा है कि कंपनी का लेना ही बेकार है, क्योंकि वो लोग ना एकदम कंपनी के पास भी क्या है, वो पैदा थोड़ी करते हैं, उनका तो ये रहता है कि मतलब उनके पास कोई आया, अपना रिज्यूम दिया, अपना बायोडाटा दिया, हमको काम करना है, अब वो चाहे रोड की भिखारी क्यों ना हो वो उनको भेज देते। तो कहीं ना कहीं मुझे डर भी ये लग रहा है कि पता नहीं कैसे लोग आएंगे, क्या होगा, तो बच्चे को संभालना, फिर बच्चे को अकेले छोड़ के जाना किसी के सहारे, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, और डर की भी बात है। तो मैं अभी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या, कि मैं अभी रखूं या थोड़ी तकलीफ खुद ही उठा लूं, नींद में कटौती कर लूं और ना रखूं किसी को, क्योंकि कंपनी से तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत गंदा मिला। हाँ अगर मुझे कोई सामने से मिल जाता है जिसको नीड हो कि हाँ हमें रहना है, बच्चे को देख लेंगे हम, तो मैं उसको उसके लिए अग्री हूँ, बट कंपनी को मैं अभी नहीं वो कर रही, प्रेफर कर रही हूँ, मुझे कंपनी की सर्विस पसंद नहीं आई, ठीक है, और क्योंकि वो लोग कैसा भी बंदा भेज देते हैं तो वो एक्सपीरियंस बंदा नहीं भेजते हैं। तो ये था, इसलिए आज सलमा नहीं दिख रही हमारे इस व्लॉग में, और सलमा जा चुकी हैं,
और उनका और हमारा था 1 महीने का साथ। देखो किसी जाने वाले को तो कोई ज़बरदस्ती रोक भी नहीं सकता, है ना। और फिर कंपनी से आई है और मुझे भी नहीं जम रहा था, और वो भी समझ गई थी कहीं ना कहीं कि भाभी को नहीं जम रहा है, क्योंकि मुझे जब तुम बच्चे को ही नहीं प्रॉपर पूरा काम बच्चे का कर पा रही हो तो फिर मैं कैसे फिर मैनेज करूँगी ना। फिर इसलिए मैंने उसको फाइनल ओके कर दिया सैलरी वैलरी देकर। तो आज से, वैसे खैर ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो अब मेरी आदत ऐसी कुछ छूटी नहीं थी, क्योंकि बच्चे को खिलाती भी मैं थी। बच्चे को कभी बाई चांस वो खिलाती थी तो बोलती थी भाभी वो खाता ही नहीं है, तो वही बात है ना, बच्चे को बहला बहला के खिलाना पड़ता है, तो वो भी ट्रिक होता है, हर कोई नहीं कर पाता है। उसका भी कोई ऐसा इशू नहीं है, उसका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस हर किसी के अंदर वो चीज़ नहीं क्वालिटी होती, वो कुदरती ऊपर वाला कुदरत जो है ना वो माँ को ये क्वालिटी देता है कि बच्चे को कैसे खिलाना है और कैसे सुलाना है। तो बस इसलिए हैं कुछ लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको बहुत अच्छी मेड मिल जाती हैं, जिनको सब कुछ आता है वो बड़े नसीब वाले होते होंगे। खैर हाँ, मैं इसमें बहुत नसीब वाली हूँ, जो मेरे यहाँ ये क्लीनिंग के लिए आती हैं, साफ़ सफाई के लिए आती हैं, जो एक बर्तन वाली आती है, ये दोनों मेरे लिए बहुत अच्छी हैं और बहुत पुरानी हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। इसमें मैं गुड लक हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी, इनके लिए मुझे कुछ भी माथा पच्ची नहीं करना पड़ता है, और जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही हैं ये लोग पुरानी एकदम। तो बस ये थी आज की दास्तान, तो ये अब तक की दास्तान है। अभी बस फटाफट सब्जी तोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद क्या करती हूँ, आज का क्या रूटीन है वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी तब तक के लिए बाय। आर्यन, ये देखिए मेरे आज की शुरुआत है, यानी कि ब्लॉग के तीसरे दिन की शुरुआत है आर्यन से। और आर्यन बहुत बदमाश हो गया है, बहुत शैतानी करता है, अगर जगता रहता है जब तक कि मुझे परेशान करता ही रहता है, उन लोगों को पढ़ने में भी परेशान करता है ना आतिफ। बुक्स फाड़ देता है, मतलब अजीब लड़का हो गया, कुछ ज्यादा 5G बच्चा पैदा हो गया है ना, 6G नहीं 5G है अभी। आर्यन आर्यन ऑलिन बाबू है, चुनी बाबू है, हट हट। माशाल्लाह आर्यन आर्यन डुंडु एजी गुडी एजी मिनी मेजी।